तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो जैसा कि आप देखने आ रहे हैं, मैंने एक और अपना नया व्लॉग बना दिया है। तो मैं रोड से होते हुए मैं जा रहा हूँ, आज मैं अमरूद लेने के लिए जा रहा हूँ। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं अमरूद लेने के लिए बाजार जा रहा हूँ, तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि मैं अमरूद लेने के लिए जा रहा हूँ एक बाबा जी के बाग में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं चल रहा हूँ बाग की तरफ। पूरा व्लॉग ऐसे ही ध्यान से देखें और बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें, जिससे कि आप कोई पार्ट मिस ना करें। तो देख सकते हैं आप, मैं चलते हुए जा रहा हूँ लगातार। ब्लॉग के माध्यम से मैं आपको दिखाऊंगा कि बाग कैसा है हमारे गांव का। तो फाइनली मैं बाग की तरफ बढ़ने लगा हूँ। देखिए, बाग मेरे सामने था, अभी आपने देखा था, ये देखिए, काफ़ी दूर था ये मेरे घर से बाग। तो मैं आज पैदल ही निकल चुका हूँ बाग के लिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं बाग के बहुत नज़दीक आ चुका हूँ और मैंने अपने हाथ में एक थैला भी ले रखा है, जो कि आप देख रहे होंगे। देखिए, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि बाग कैसा है। तो देखिए, ये रहा, ये हमारे गांव का अमरूद का बाग है, जो कि आप देख रहे हैं। काफ़ी हरियाली है इस बाग में, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि काफ़ी पेड़ भी हैं और पेड़ों पर अमरूद भी लगे हुए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं आपको इस ब्लॉग के माध्यम से मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारे गांव में अमरूद का एक बाग है, जिसमें मैं आपको आज अमरूद लेने गया था, इसलिए मैंने सोचा कि एक ब्लॉग बना दूं। मैं इसी ब्लॉग के माध्यम से आपको दिखाऊंगा। देखिए, अमरूद लगे हुए हैं पेड़ों पर। और इसी के साथ ही देखिए, मैंने अपना झूला रख दिया है और मैं निकल चुका हूँ बाग में अंदर की ओर अमरूद देखने के लिए। जैसा कि आप देख ही रहे होंगे, मैं अमरूद देखने के लिए काफ़ी अंदर आ चुका हूँ। दादाजी वहाँ पे पीछे रह चुके हैं। और देखिए, यहाँ आने के बाद मुझे पता चला है कि बाग में जो है सुबह अमरूद तोड़े जा चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं अपने लिए अमरूद ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देख सकते हैं आप, मैंने एक अमरूद तोड़ रखा है, जो कि आप देख रहे हैं वो तोते ने खा लिया है, जिसे हम सुआ बोलते हैं गांव में। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहां से निकलने के बाद और मैं काफ़ी अंदर आ चुका हूं बाग के। अंदर आने के बाद ये बाग का पूरा विजिट देखिए, कितना सुंदर लग रहा है। अब इधर इसी के साथ ही मैं आगे बढ़ चुका हूँ, तब मुझे पता चला है कि अमरूद काफ़ी ऊँचे लगे हुए हैं, इसीलिए मैं जो डंगी बोलते हैं, जिससे अमरूद तोड़े, मैंने सोचा कि चलो मैं आज ब्लॉग भी बना दूं और दादाजी के बाग का ब्लॉग बनाने के साथ साथ मैं अमरूद भी ले सकता हूं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं दादाजी के पास पहुंचने ही वाला हूं, और देखिए, दादाजी के पास मैं पहुंच चुका हूं और दादाजी लेटे हुए हैं, और मैं उनसे पूछ कर निकल चुका हूँ कि दादाजी टंगे कहाँ पर। तो उन्होंने बता दिया वो एक अमरूद के पेड़ पर है, जो कि मैंने आसानी से ढूँढ ली। तो आप देख सकते हैं, मैं ऐसे लेके निकल चुका हूँ अमरूद तोड़ने के लिए। तो प्लीज़ दोस्तों, ऐसे ही ब्लॉग वीडियो, देसी ब्लॉग वीडियो, गांव के ब्लॉग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको कोई भी मेरा वीडियो नहीं मिल सके। ताकि आप देख रहे हैं कि मुझे एक और अमरूद मिल चुका था, जो मैंने हाथ से तोड़ लिया था, और मैं डंगी भी अपने साथ ले कर निकल चुका हूँ अमरूद ढूँढने के लिए। तो यहाँ पर चलते चलते मुझे कुछ अमरूद दिखे भी, जो कि मैं तोड़ रहा हूँ, देख सकते हैं आप।
और ये तोड़ने के बाद मैंने उसे गिरा दिया है और मैं फिर से अमरूद की तलाश में हूँ और काफ़ी दूर जा चुका हूँ मैं अमरूद ढूंढते ढूंढते, जैसा कि आप देख सकते हैं। और मैंने अभी और मुझे अमरूद दिख चुका है जो कि मैं हाथ से तोड़ रहा हूँ, जैसा कि देखिए आप। और इसी के साथ ही देखिए कैसे मैं आज अमरूद तोड़ने के लिए अपने गांव के एक बाग में गया था जहां के अमरूद काफ़ी मीठे हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं तोड़ते तोड़ते काफ़ी दूर आ चुका हूँ मैं और काफ़ी मीठे अमरूद हैं हमारे इस बाग के। और मैं कुछ दिन पहले मैं यहाँ पर एवरीडे जाया था करता था, लेकिन अब कुछ दिनों से मैं यहाँ पर रेगुलर नहीं जा पा रहा हूँ जिसके कारण मुझे काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मैं अमरूद तोड़ रहा हूँ। और आपको मेरा ब्लॉग वीडियो अच्छा लगा तो कृपया मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि कोई भी आने वाली मेरी कोई भी वीडियो आप मिस ना करें और मेरे इस ब्लॉग वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। जैसा कि आप देख सकते हैं मैं घूम रहा हूँ अमरूद ढूंढते हुए और अमरूद ढूंढते 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 काफ़ी देर हो चुकी है मुझे, 2-4 घंटे के समथिंग मेरे टाइम बेकार हुआ था। तो प्लीज़ दोस्तों इसीलिए मुझे थोड़ा सपोर्ट कीजिए जिससे कि मैं भी आगे बढ़ सकूं। जैसा कि आप देख रहे हैं मैं घूम रहा हूं यहां पे अमरूद तोड़ने के लिए और काफ़ी देर से घूमने के बाद मुझे पता चला कि बाग में अमरूद सुबह तोड़े जा चुके थे जिस कारण से मुझे अमरूद नहीं मिले थे। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ देखिए, और इस ब्लॉग के माध्यम से मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे मैंने आज गाँव में बाग में जाके अमरूद तोड़े हैं। देखिए जैसा कि आप देख रहे हैं थोड़े थोड़े छोटे भी पेड़ हैं इस बाग में और बड़े भी हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मैं अमरूद तोड़ रहा हूँ, देखिए ये मुझे एक और अमरूद मिल गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं काफ़ी देर हो गई है मुझे यहाँ पे, और इसी के साथ साथ जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं अमरूद ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। और इधर आके देखिए मैं पूरे बाग का विज़िट कर रहा हूँ, आपको देखिए कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे, काफ़ी हरियाली है इस बाग में जैसा कि आप देख सकते हैं। और मैं फिर से चल दिया हूँ अमरूद की खोज में, देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा बाग है और मैं इसी बाग में अमरूद तोड़ने के लिए आया था। तो मुझे लगा कि क्यों ना एक ब्लॉग शूट किया जाए। तो प्लीज़ दोस्तों मेरे इस ब्लॉग वीडियो देखने के बाद मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको मेरा ब्लॉग वीडियो कैसा लगा। अगर आपको मेरा ब्लॉग वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में ज़रूर लिखें, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं चल चुका हूं और दूसरी तरफ बाग की दूसरी तरफ आने के बाद भी मुझे कुछ नहीं मिला। जैसा कि आप देख रहे हैं काफ़ी ढूंढने के बाद तो मैं फिर से उसी तरफ मुड़ गया हूं, देखिए जिस तरफ दादाजी थे उधर दादाजी की चारपाई पड़ी हुई है और दादाजी ने सर्दियों में आग जलाने के लिए देखिए घास कितनी इकट्ठी कर रखी है जिससे कि उन्हें इस बाग में ईंधन की कमी ना हो, जैसा कि आप देख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए मुझे एक तोते की खिली हुई कपड़ी यानी अमरूद मिल चुका है। और देखिए मैं यहाँ पे निकल चुका हूँ फिर से, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं आगे बढ़ चुका हूँ फिर से। और देखिए दादाजी यहाँ पर लेटे हुए थे थोड़ी देर पहले, मैं फिर से उसी जगह पे आ गया हूँ। और अब देखिए इधर से निकलने के बाद मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मुझे कितने अमरूद मिले। तो आप देख सकते हैं ज़मीन पर जो पड़े हैं वही अमरूद मुझे मिले थे जो कि मुझे काफ़ी मेहनत करने के बाद मिले हैं। फिर भी मैं अभी मुझे थोड़े और अमरूद चाहिए, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि अभी मैं और अमरूद देख सकते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं अमरूद तोड़ते तोड़ते काफ़ी आगे निकल चुका हूं। और मैंने उस डंगे को भी उधर रख दिया था दूसरे पेड़ पर, मैं हाथों से अंगूर तोड़ने के लिए निकल चुका हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं मैं अमरूद तोड़ रहा हूं, और अमरूद तोड़ते तोड़ते मुझे पता चला है कि इस बाग में काफ़ी दिनों से इसकी अच्छी देखभाल के कारण काफ़ी सालों से इसमें अच्छे तरह से अमरूद आ रहे थे, काफ़ी मीठे अमरूद हैं इस बाग के। तो देख सकते हैं आप मैंने काफ़ी अमरूद तोड़ लिए हैं यहाँ पे। और अमरूद तोड़ने के बाद देखिए मैं फिर से तो मैं निरंतर चल रहा हूँ देखिए अमरूद ढूंढने के लिए, और मैं इधर उधर देख के जैसा कि आप समझ सकते हैं कि अमरूद देखने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। तो मैं ढूँढ रहा हूँ देखिए अमरूद, और फाइनली गाइस मैंने सारे अमरूद अपने लिए जितने मुझे ज़रूरत थी उतने अमरूद मैंने इकट्ठे कर लिए। और देखिए मेरे हाथ में ये थैला है जिसमें मैं
अमरूद रखने जा रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं मैंने आज काफ़ी देर और टाइम बेकार करने के बाद मुझे पता चला कि मैंने इतने अमरूद तोड़ चुका हूँ, क्योंकि मैं देखिए थैले में इन्हें डाल रहा हूँ घर ले जाने के लिए। जैसा कि आप देख रहे हैं काफ़ी मेहनत करने के बाद मुझे आज अमरूद मिले हैं, देखिए। और इसी के साथ साथ जैसा कि आप देख सकते हैं ये गांव के ताज़ा अमरूद हैं। जैसा कि अगर आपको भी गांव के कल्चर से प्यार है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं आपको ऐसे ही ब्लॉग रोजाना दिखाता रहूँ। तो आप देख सकते हैं मैं झूला ले कर चल दिया हूँ, और देखिए अमरूद लेने के बाद मैं दादाजी के पास जा रहा हूँ, देखिए। और इधर दादाजी बैठे हुए हैं और दादाजी से राम राम करने के साथ ही, और देखिए दादाजी को एक प्यार ऐसे राम राम करने के बाद मैं चल दिया हूँ अपने घर की ओर। जैसा कि आप देख सकते हैं घर की ओर निकलने के बाद मैं जा रहा हूँ, तो दादाजी भी अपने काम में व्यस्त हो गए हैं, तो मैं देखिए चल दिया हूँ घर की ओर। और घर जाने के साथ साथ जैसा कि आप देख सकते हैं कि बाग का विज़िट काफ़ी अच्छा था, जैसा कि आप देख रहे हैं। और मैं एक बार फिर से आपको दोबारा से विज़िट कराना चाहूँगा, देखिए आप कितना अच्छा लग रहा है ये बाग, काफ़ी हरियाली है इस बाग में जैसा कि आप देख सकते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों मेरे ऐसे ही ब्लॉग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मैं बाग से बाहर निकल चुका हूँ देखिए, और काफ़ी बाहर आ चुका हूँ मैं बाग से। और जैसा कि आप देख रहे हैं इधर ही इसी के साथ साथ मैं आपको ये ब्लॉग वीडियो के माध्यम से दिखा रहा हूँ कि देखिए गांव का देसी कल्चर कैसा होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये मैं आ चुका हूँ गांव के इस बाग, छोटे से बाग के बाहर आ चुका हूँ, और देखिए। और आने के बाद जैसा कि आप देख सकते हैं काफ़ी दूर आ चुका हूँ मैं बाग से बाहर आ चुका हूँ, और यहाँ पे काफ़ी हरियाली भी है यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं। और फाइनली गाइस मैं बाग से बहुत ज़्यादा बाहर आ चुका हूँ, और ऐसे ही ब्लॉग वीडियो देखने के लिए कृपया करके मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप मेरे आने वाले ब्लॉग को जल्द से जल्द देख सकें। और अगर आपको मेरा ब्लॉग वीडियो अच्छा लगा तो धन्यवाद, बाय।